सीजन आ चुका है, हवा में एक अलग सी खुशबू है, बड़ा ही मजा आता है जब फेस्टिवल्स आते हैं तो। एंड नवरात्र के टाइम पे तो खासकर मेरे पास इतने सारे डीएम्स आते हैं और इतने सारे मैसेजेस कि मैम कोई ब्रेथ स्पेशल रेसिपी लेकर आओ जो बहुत सारा वेट लॉस और इंच लॉस दे। हेलो गाइज, आई एम डाइटिशियन अमृता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। लास्ट टाइम के नवरात्र में मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर की थी, एप्पल की खीर हो गई, मखाने का रायता हो गया, कुट्टू के आटे का हलवा हो गया, लौकी की खीर हो गई, बहुत सारी रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर किया था और बहुत सारे लोगों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिला था। लोगों ने अमेजिंग वेट लॉस और फैट लॉस किया था अपने व्रत के टाइम पे। अगेन मैं आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सी एक वेट लॉस और इंच लॉस रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत सारा फैट लॉस देगी, वेट लॉस देगी और व्रत स्पेशल रेसिपी है, आपको सेशिएटेड भी फील कराएगी और बहुत ज्यादा यमी है एंड डिलीशियस है। आज मैं आपके सामने नारियल की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ज्यादा यमी है, डिलीशियस है एंड इट इज अ ब्रेथ स्पेशल रेसिपी। इस नारियल की खीर को लेकर आप आसानी से वेट लॉस कर सकते हो, इट इज प्रोटीन रिच एंड फाइबर रिच, आपकी हंगर पैंग्स को कंट्रोल रखेगी, आपको सेचिएटेड फील कराएगी एंड फुलर फील कराएगी। आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किसी भी टाइम पे इस रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। अब ये भी मैं बता दूं कि जिन जिन लोगों को हेयर फॉल की इश्यूज है वो सारे लोग इस रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जो भी लोग कॉन्स्टिपेशन के इश्यू से सफर कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है ना कि मैम हमें व्रत के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की इश्यू हो जाती है, तो आप इस रेसिपी को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करो, आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यू से राहत दिलाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा फाइबर रिच है एंड अमेजिंग फॉर द कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स। जिन जिन लोगों को गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग की इश्यूज होती है वो सारे लोग इस रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। जिन जिन लोगों को पिगमेंटेशन की इश्यू है वो सारे लोग इस रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। बहुत ही सुपर है, इजी टू कुक है, झटपट से बनती है, मिनटों में बनती है एंड बहुत ज्यादा यमी है, डिलीशियस है। जिन जिन लोगों को वीकनेस की इश्यू है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मैम व्रत के टाइम पे वीकनेस आने लगता है या डिजीनेस लगने लगता है, तो आप इस रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करो, आपकी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखेगी, आपको वीकनेस नहीं आने देगी और बहुत ही सुपर तरीके से आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी, आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटॉक्स करेगी, बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट दिलाएगी इन योर वेट लॉस एंड फैट लॉस जर्नी। तो चलिए फटाफट से चलते किचन में और बनाते हैं अपनी अमेजिंग सी नारियल की खीर। नारियल की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है फ्रेश कोकोनट और फ्रेश कोकोनट को मैंने बहुत ही अच्छे से चॉप कर लिया है एंड इट इज 50 ग्राम्स ऑफ कोकोनट। और मैं यहाँ पे ली हूँ एक ग्राइंडिंग जार, तो सारे कोकोनट को मैं इसमें डाल लेती हूँ, चॉप्ड कोकोनट्स को, जार का लिड लगा देते हैं एंड इट्स टाइम टू से ग्राइंड ग्राइंड एंड ग्राइंड। हमारा कोकोनट बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और मैं भी यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ घी। बारी आती है कोकोनट को डालने की, जिस कोकोनट को मैंने ग्राइंड किया था। जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स हम इसे रोस्ट करेंगे। अब बारी आती है चॉप्ड आलमंड्स डालने की और मैं यहाँ पे 10 आलमंड्स ली हूँ, इसे मैंने चॉप कर लिया है। नेक्स्ट इज रेजिन्स, 10 to 15 रेजिन्स। अगेन मैं इसे 30 सेकेंड्स तक रोस्ट करूंगी नट्स के साथ। काजमम पाउडर, इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस खीर में। व्रत वाली खीर बन रही है और नवरात्र के टाइम पे ये नारियल की खीर मेरी फेवरेट है। आप देख सकते हो धीरे धीरे नारियल का कलर चेंज हो चुका है और मैंने इसे बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो अब बारी आती है मिल्क डालने की। मैं यहाँ पे 100 to 150 ml ऑफ मिल्क ऐड करूंगी एंड ये बॉइल्ड मिल्क है। चला गया मिल्क, मिनटों में बनने वाली है ये खीर और बहुत ज्यादा यमी लगती है। साथ ही साथ जिन जिन लोगों को हॉर्मोनल इश्यूज हैं लाइक थायराइड, वो सारे लोग इस खीर की रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से स्टर करना है एंड आप देख सकते हो ये धीरे धीरे बॉयल होने लगा है। तो इस स्टेज पे मैं डालूंगी 10 to 15 केसर के स्ट्रैंड्स। लास्ट 2 मिनट से ये बहुत ही अच्छे से पक रहा है और आप देख सकते हो ये धीरे धीरे बॉयल होने लगा है। और मैं यहाँ पे एज अ स्वीटनर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो 1 teaspoon ऑफ जैगरी ऐड कर लो, बट मैं इसे ऐसे ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि कोकोनट का एक अपना ही स्वीटनेस होता है एंड इसमें रेजन्स भी गया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है एंड वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा सुपर है। थोड़ा सा हम इसे थिक करेंगे, बहुत ही अच्छी थिकनिंग आ चुकी है एंड देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ हमारी नारियल की खीर कैसी दिख रही है।
बहुत ही यमी एंड डिलीशियस ही हमारी नारियल की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। इसे मैं थोड़ा सा गार्निश करूंगी आलमंड से। मैंने आलमंड को बचा के रख लिया था एंड मैं यहाँ पे इसे गार्निश कर दे रही हूँ। दैट्स इट। एंड थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर जस्ट 1-2 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर। दैट्स इट। और हमारी बहुत ही यमी सी डिलीशियस सी नारियल की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो। नवरात्र स्पेशल रेसिपी है, बहुत सारा आपको वेट लॉस एंड इंच लॉस प्रोवाइड करने वाली है। डू शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सी यू सून गाइज इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज। टिल देन टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।